अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत कैसी है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। और जी आज सोचा एक छोटा सा हलीम का व्लॉग बना लें और आपके साथ भी शेयर करें। और इस वक्त हमारे पास जो है एक व्लॉगर भी आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। और सिमिलैरिटी है उनकी जो है मुस्तफ़ा हनीफ जो है हमारे एक यूट्यूबर हैं बड़े, उनसे वो मिलते हैं और उनसे भी आपका एक मुलाकात करवाते हैं। और इस वक्त पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये भाई हमने बुलाए चाइना से और ये बहुत अच्छा घोटा लगाते हैं और शूर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा घोटा लगाने में। और एक ये भाई जो मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट देखें। और ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट कोई एक घंटे से जो है घोटा लगाया है और ये सोच रहे हैं कि एक देग इनको मिल जाएगी, इनको एक पाव से ज़्यादा हरगिज़ नहीं मिलने वाला। और मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने बोला मुझे पार्सल भी चाहिए। अरे वाह जी, खिला के पारी कर दे, सब सुन लिया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? और जी मेरे देखने वाले सुनने वाले, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो ये भाई को जो है आपसे सबसे जो है वो राय का इजहार चाहिए कि कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुस्तफ़ा हनीफ भाई जो हमारे एक बिग यूट्यूबर हैं, उनसे कितनी सिमिलैरिटी है तो वो आपने ज़रूर बतानी है। और माशाल्लाह से इनके भी व्लॉग्स आ रहे हैं और इनका पहले भी एक चैनल था, अभी न्यू एक चैनल है इनका, चैनल का नाम भी बताइएगा। सैयद फराज़ रिज़वी के नाम से, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस नए चैनल के लिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए रखे हुए हैं और इंशाल्लाह बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कैसा रहा, सुना है आप माशाल्लाह से मुस्तफ़ा हनीफ भाई से भी मिले, तो कैसा रहा आपका वो व्लॉग? बिल्कुल, अभी ओपनिंग हुई थी उनकी हैदी पे शॉप उनकी, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, मुस्तफ़ा हनीफ साहब आए थे, तकरीबन 3 बजे का टाइम उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन वो पहुँचे थे 2 बजे। तो फिर वहाँ पर काफ़ी लोग बेचारे, मतलब 3 बजे तक वो चले गए थे मुस्तफ़ा भाई, उसके बाद जो लोग आ रहे थे दूर से, ऐसा लग रहा था कि मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे समझ रहे थे मुस्तफ़ा हनीफ जी। माशाल्लाह गाड़ियाँ भी रुकी, लोग भी आए, बच्चों ने मेरे साथ पिक्चर भी लिया, आप लोग ब्लॉग में देखिएगा और बताइएगा कि ऐसा है या नहीं, मैं कोई गलत तो नहीं बोला। और उसी के बाद से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग शुरू करी है। वाह जी वाह, नया चैनल। तो देखें ये भी अल्लाह पाक की शान है ना, वो भी तो किसी के जो है वो सिमिलैरिटी थी उनकी, ठीक है, वहाँ से वो अल्लाह पाक ने उनको फेम दी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करें। और जी इनका मैं जो है वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे जितने भी सुनने वाले चाहने वाले लोग हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इनको भी अपना YT फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। तो भाई कैसा रहा व्लॉग ये बताओ, मैंने सुना है बड़े हलीम के व्लॉग बना रहे हो, कुछ मिला नहीं मिला हलीम खाने को या ऐसे ही सबने टरका दिया? तो हलीम लेकर जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, 1 घंटे लगे 2 घंटे हलीम लेकर जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत देर से आया और व्लॉग मैंने बनाया, आप लोग ज़रूर देखिएगा, हलीम का भी और मुस्तफ़ा हनीफ का भी, दोनों व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सैयद फराज़ रिज़वी के नाम से, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जी बाकी हलीम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। और हमारे साथ जो है ये इस वक्त जो एक और हैं, ये भी कनाडा से लाए हैं, हमने कनाडा से बुलाए हैं, ये कनाडा से आए हैं और ये घोटा लगाने के लिए। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आए हाय, शाये हो रही हो, शाये शर्मा रही हो। तो जी ये कैमरा शाये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो छोटा सा एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो ये हलीम आज माशाल्लाह से रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है ये सुबह का जो है 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो लंगर हुसैन मुहर्रम के हवाले से जो है ये हलीम की देगें मनाई गई हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।